मुबीन भाई रोड के किनारे दे उत्ते खड़े हैं जी जी जोहे पे कुछ दिन पहले आप इथो लंघ रहे आप सोचा कि नमाज पढ़ लिए हैं जी जी गालवन नमाज ज़ुहर दा टाइम सी लब्बे ना फिर एक जामिया मस्जिद निमरा लब्बी जी जी मस्जिद दी हालत अल्लाह मेरी तौबा इन्नी खस्ता के उत्थे पंखे तक इंतजाम नहीं है मुबीन भाई चूंकि मस्जिद दी हालत ता खस्ता वा जड़ी आबादी है ना वो भी उतो काने वाले घर आ सारे जी पे घर सारी घर बहुत ज्यादा इथे इनके गिराने रहंदे अल्लाह मजीद इंशाल्लाह आपा मस्जिद अंदर पखा अपनी मैडम साहिबा दा अमानत लगा के फिर इंशाल्लाह दुआ भी सबादी वाले को करनी जी जी मस्जिद हाल आ देखो मस्जिद कि अल्लाह अकबर है अल्लाह तेरे हले भी घर इस तरह वस रहे नमाज पढ़ते होंगे माशाल्लाह इसे मस्जिद अंदर सुभान अल्लाह माशाल्लाह बात है क्या इतने पढ़ते हो माशाल्लाह मुबीन भाई किन्ने जज्बा ਪੰਖਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਫੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਗ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇਪੇ ਲਗਾਈਏ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੇਪੇ ਦੇਖੋ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਛੱਤ ਨੂੰ ਬਾਰਸ਼ਾ ਹੈ ਜੇਪੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਦੇਖ ਲੋ ਕਿ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਸਫੇਦੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਜੇਪੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਜੀ ਜੀ ਲੋ ਆਪਾਂ ਕੰਗਾ ਕੱਟਣਾ ਵਾ जी जी गिरूगा तो नहीं आप वाला टूटूगा तो नहीं ये ना मजीद थोड़ा थोड़ा ना जी 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 मुबीन भाई अलहमदुल्ला अल्लाह पाक के घर का काम अल्लाह पाक का करोड़ा मरी शुक्र अल्लाह ताला ने अपने हाथ ना माशाल्लाह करने की तौफीक दी जी जी लो जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी भाई भाई ने खुशी चेक करो मेरा कल पहली दफा सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह मुबीन भाई छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कलियां बच्चे माशाल्लाह बूढ़े औरतां इस बस्ती के अंदर माशाल्लाह सारे मुश्तरका नमाज पढ़ते जी भाई यार ये बस्ती जड़ी ना काफी कमजोर असि पहली दफा देख रहे हैं कि कान्या दे घर आ हां जी एक ही बस्ती बस बड़ी कमजोर बस्ती है जी माड़े ने इन्हें कोई कदे रोटी लगती है कदे नहीं लगती अल्लाह दे घर जो कोई लगता खिदमत कर दे सही अल्लाह पाक करे तो ये ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਸਫਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਭਈ ਸਫਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਚੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਤੂੰ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਭਈ ਚੋਣੀ ਆਪੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾ ਮੇਨ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਆ ਸਫੇਦਿਆਂ ਦੇ ਟਾਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਇਹ ਬਸਤੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ 2000 नमाज पढ़ते गुजर रहा मुसाफिर भी रोके नमाज पढ़ रमजान मुबारक का माशाल्लाह मुकद्दस महीना रमजान हर मुसलमान की कोशिश होंगी कि मैं रोके एक बार नमाज पढ़ लूं क्योंकि नमाज उसे मस्जिद कोशिश होंगी
कि यार जिथे थोड़ा जा सुकून मिल जाए रोजे की हालत झट ठंडक लै लीए झट हवा लै लीए झट आराम फरमा लीए निके निके बच्चे पढ़दे नो हाफिज़ को माशाल्लाह 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 निके 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 जितने न्याणे ने सारे पढ़दे नो हाफिज़ साहब जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह दे नबी जे भाई मस्जिद ना बड़ा ही प्यार करदे हुंदे सी जिहड़ा मस्जिद अल्लाह दी ओ मस्जिद ओ जगह वा जिथे इंसान नु दिली सुकून रूह नु भी सुकून मिलदा जिस्म नु भी सुकून आउंदा बेशक बेशक सुभान अल्लाह जे भाई कितना खुश नसीब आ ने अल्लाह दे घर पखा लगे अल्लाह तेरे घर दे अंदर खड़े तो मौला गैब तो इस मस्जिद नु अपने खूबसूरत बना मौला बिलखसूस अपने घर दे उत्ते अपनी रहमत नाजल फरमा मौला इन्ना खूबसूरत घर बना दे के देखने वाले वादी वाले मुसाफिर नमाज पढ़ने ते दिल नु सुकून मिले और मौला बिलखसूस अज दा जिहड़ा इत्थे हवा दा इहतमाम कीता साडी मैडम साहिबा मौला उन्होंने अपने वालदे मोहतरम दे साले सवाब वास्ते चौधरी रियाज अहमद मरहूम मौला उन्होंने करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अंदर आला मुकाम ता फरमा मौला उन्होंने कबर नु कुशादा फरमा मौला उन्होंने कबर उन्होंने दुनिया के अंदर लोगों को हवा दिलवाई मौला तो कबर के अंदर ठंडे ठंडे एसी उन्होंने वास्ते पैदा फरमा।